आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम टैली में पीटीकेश का स्टेटमेंट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं कैश के ट्रांजेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल पहले एक्सेल शीट दिखा देता हूँ कैसी हमारी एक्सेल शीट होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर है, उसके बाद डेट है, कैश लेजर है, पर्टिकुलर क्या है मतलब सामने वाला कौन सा लेजर है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन जो हम एज ए नरेशन यूज़ कर सकते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, वो पेमेंट होगा कि रिसिप्ट होगा, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड अमाउंट हमने पे किया है कि रिसीव किया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। बराबर, तो ये मोटा मोटा नॉर्मल जो हमारा स्टेटमेंट होता है या तो हमारा जो एक्सेल शीट होता है उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक सैम्पल एक्सेल शीट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसी को अगर टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एज बिकॉज ऑफ कि ये हमारा एडिशनल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, टैली को तो पता होगा नहीं कि कौन से कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए हमें मैप करना पड़ेगा। तो कैसे मैप करते हैं वो हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ओपन कर दी है मैंने, और यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन अभी है नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो वाउचर्स एंटर। ठीक है, और हमने मैपिंग यहाँ पे कर लिया है। आपको वो देखना है तो यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज में, मैनेज मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पे अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। एज बिकॉज ऑफ के मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, मैं एडिटर में जाके आपको वो दिखाने वाला हूँ, मगर अगर आपने नहीं किया है तो आप क्रिएट में जाके उसको क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए पहले सिंपल आपको नाम तो क्रिएट करने के लिए आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे आप वो एक्सेल शीट वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन एंटर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम पूछेगा कि आपको वो जो आप टेम्पलेट बना रहे हो उसका नाम क्या देना है, कौन से टाइप के वाउचर्स आप इंपोर्ट करने वाले हो। राइट, तो अकाउंटिंग वाउचर है या ऑर्डर वाउचर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे देख ही सकते हैं आप जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है। आप ट्रांजेक्शन अगर कोई करते हो तो आपको पता है कि पहले जो वाउचर टाइप कौन सा इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सेल शीट में हमने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि भाई ये पेमेंट है कि ये रिसिप्ट है, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो ये कॉलम कौन सा है, एफ कॉलम है, जिसका टाइटल है पेमेंट और रिसिप्ट, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे वाउचर टाइप में पेमेंट और रिसिप्ट। सेम डेट, तो डेट यहाँ पे हमारे पास डेट का कॉलम ऑलरेडी है, तो डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डेट इज डेट, फिर वाउचर नंबर एज अ सीरियल नंबर से उठाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप वाउचर नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आप लेट सपोज अगर आपके टैली में वाउचर नंबरिंग मेथड ऑटोमेटिक दिया हुआ है तो अभी आप यहाँ पे एटलीस्ट सीरियल नंबर डाल दीजिए ताकि एवरी नंबर विल कंसिडर एज अ यूनिक ट्रांजेक्शन, अदरवाइज टैली को पता नहीं चलेगा कि वो सेपरेट ट्रांजेक्शन है कि क्या है। राइट, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेशन, हमने वाउचर नरेशन सेट किया हुआ है, जो हम नरेशन उठाएंगे ये डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम से। बराबर, तो ये आपके नरेशन में चला जाएगा। उसके बाद वाउचर का नाम मतलब लेजर का नाम क्या होगा वो हम यहाँ से उठाएंगे। बराबर, तो पर्टिकुलर में से हम यहाँ पे लेजर का नाम उठाएंगे, जो नीचे हम लेजर सेलेक्ट करेंगे उसका नाम। बराबर, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है कि ये यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम बना के रखे हुए कि लेजर पेड एंड लेजर सॉरी अमाउंट पेड एंड अमाउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे लेजर कैसे उठाएगा, तो उसके लिए सिंपल हमें एक कंडीशन सेट करेंगे जो यहाँ पे कंप्यूट वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है। बराबर, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला कॉलम है आपका कंप्यूट वैल्यू, और यहाँ पे सिंपल आप कंडीशन सेट कर सकते हैं कि भाई अगर आपने आपके पास वैल्यू अमाउंट पेड में है
अमाउंट पेड से अगर वैल्यू आ रहा है तो लेजर डेबिट होगा, और अमाउंट रिसीव्ड से अगर वैल्यू आ रहा है तो लेजर क्रेडिट होगा। तो आपको पता है कि अगर पेड में है तो कैश क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। अगर कैश क्रेडिट होगा तो ये वाला लेजर डेबिट होगा, राइट। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने नॉर्मल लेजर के लिए सेट कर दिया। सेम थिंग हम टॉप लेजर के लिए सेट करेंगे। टॉप मीन्स अगर आपको बताएं कि जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो टॉप में हम कैश या बैंक सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे कैश का लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो लेजर का नाम क्या होगा, कैश, और यहाँ पे लेजर का अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन कि अगर पेड साइड है तो लेजर डेबिट होगा, कैश का लेजर सॉरी क्रेडिट होगा, और रिसीव्ड साइड है तो डेबिट होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना ताकि आप कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। लॉजिक है और कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक हमें सेट करना है और एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे हमने मैप कर लिया है, राइट। अभी हम सिंपल इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं देर इज नो वाउचर एंटर्ड, बराबर है, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आपको देखना है DSS में, यहाँ पे आपका 00 है, बराबर। डे टू डे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं डे बुक 00 है, ठीक। अभी हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में सिंपली हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो एक्सेल शीट हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। एक्सेल शीट सेलेक्ट करने के बाद उसका शीट सेलेक्ट कर लिया और हमने जो मैपिंग टेम्पलेट बनाया था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इंपोर्ट पे हमने यस कर दिया, ठीक है। बैकअप लेना है नो एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो पेमेंट ट्रांजेक्शन और एक रिसीव ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट होने वाला है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे डे बुक में और डे बुक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर एक तारीख में दिखा रहे हैं। अगर आप पीरियड चेंज करके फुल डेट दे देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गए हैं। एंटर करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं पीटी कैश, नीचे ऑफिस एक्सपेंस 100 पेड फॉर ऑफिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सेल शीट थी, एक्सेल शीट में जो हमने फर्स्ट लाइन जो हमारी थी वो यहाँ पे आ गई है। ऐसे ही बाकी के जो ट्रांजेक्शन है 200 वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर 2000 वाला जो एडवांस सैलरी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रिसिप्ट आया था 5000 का कस्टमर से वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह है तो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। आपको सिंपल पेटी कैश का जो एक्सेल शीट है वो मेंटेन करना है और फिर वन स्लॉट में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बताइए दोस्तों कैसा लगा ये इंपोर्ट फैसिलिटी। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे नए वीडियो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन या तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।